जब ना आए किसी को बैंगन की सब्जी पसंद, तब बनाए इस तरीके का मसाला बैंगन। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में बहुत ही बढ़िया एकदम मसालेदार बैंगन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं रचना और मेरे चैनल रचना इन द किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मसाला बैंगन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 300 ग्राम बैंगन। तो फ्रेंड्स, बैंगन को मैंने यहाँ पर धो के अच्छे से साफ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि बैंगन को हमें किस तरीके से काटना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम बैंगन को इसी तरीके से ऐसे लेंगे और इसको हम बीच में से कट लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको कर देंगे, यानी कि हम इसमें दो कट लगाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख भी सकेंगे कि हमारा बैंगन ख़राब है या अच्छा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बैंगन अंदर से ख़राब है, तो इस तरीके से हम काटेंगे तो चेक भी हो जाएगा कि बैंगन सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर हम दूसरा बैंगन भी ले लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैंगन एकदम सही है, ख़राब नहीं है। तो हमें इस तरीके से इसमें कट लगाना है ताकि हम देख भी सकें कि बैंगन सही है, और अगर इस तरीके से काटेंगे तो मसाला अंदर अच्छे से चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी बैंगन को इस तरीके से काट लेती हूँ, पर हाँ, मैं जो इसके डंठल ये नहीं निकालूँगी। तो बैंगन को इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा भी एकदम अच्छा है। तो इसी तरीके से सारे बैंगन काट लेते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे बैंगन कट कर तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस के ऊपर एक पैन, और पैन के अंदर मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच तेल, और तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा ही गर्म। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये बैंगन डालूंगी जो हमने काट के रखे हैं, और बैंगन को तेल के अंदर हम 1-2 मिनट ऐसे फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा इनको हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बैंगन हमारे थोड़े फ्राई हो गए हैं, यानी कि हमें इनको 50% पकाना है। तो यहाँ पर ये पक गए हैं जितना हमें पकाना है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बैंगन निकाल लिए हैं, और ये जो तेल बचा है इसी के अंदर मैं 2 चम्मच तेल और डाल देती हूँ, और तेल को थोड़ा सा गर्म और हो जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स, तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो तेल के अंदर मैं डालूंगी सबसे पहले एक बड़ी इलायची, और उसी के अंदर एक चक्रफूल डाल देते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे हम 2 तेज पत्ते, और इनको हम थोड़ा सा तेल के अंदर कर देते हैं। और इसी के साथ में मैं डाल देती हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा। और यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, तो ये भी डाल देती हूँ। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए जिनको बारीक काट लिया है, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और गैस को हम रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको हम अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे प्याज हैं जो ब्राउन कलर हो गया है और बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, तो बस यहाँ पर हम मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 पिंच हींग ली है, तो हींग भी मैं डाल देती हूँ। और इसी के साथ में मैंने ली है यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधा चम्मच सौंफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मसाला लिया है, ये वही मसाला है जो हम गर्मियों में बना कर रखते हैं, यानी कि इसमें हम लहसुन, प्याज, अदरक, मूंगफली के दाने, खोपरा सभी मिक्स करके इसका एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मसाला मैं यहाँ पर एक चम्मच डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी इसे गर्मियों में जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर सभी चीजों को कर देते हैं अच्छे से मिक्स, और इसको हम एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और मसाला पक गया है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 चम्मच मूंगफली के दाने का पाउडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ, अगर आप यहाँ पर इसे पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो न डालें। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ खोपरा, यानी कि जो सूखा नारियल रहता है उसी का मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। तो 2 चम्मच मैंने ये लिया है, ये भी डाल देते हैं और इसको कर देते हैं मिक्स, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को पकते हुए और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ले रही हूँ टमाटर की प्यूरी, आप चाहे तो यहाँ पर टमाटर के बारीक पीस काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं तो उनको प्यूरी बना ली है, और ये इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं मिक्स अच्छे से। तो यहाँ पर हमने मसाला और प्यूरी अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और अब हम यहाँ पर गैस को कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट हो चुकी है, तो चलिए हम मसाले को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि मसाले से तेल बाहर आने लगा है, यानी कि एकदम बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हुआ है, और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और ये सब्जी जब बनकर तैयार होगी ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम डालेंगे पानी, तो आप आपकी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ, और इसको भी हम पानी को मसाले के अंदर अच्छे से कर देंगे मिक्स, और अब हम डाल देंगे इसके अंदर बैंगन जो हमने रखे थे फ्राई करके। इस तरीके से, और बैंगन को हम यहां पर पकने देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। तो फ्रेंड्स 10 से 12 मिनट हो चुकी है, तो चलिए हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। वाव क्या बढ़िया सब्जी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनी है। और ये देखिए हमारे बैंगन बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, और ये मसाला भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से हिला देंगे, तो सब्जी यहाँ पर बनकर है तैयार। तो गैस को कर देते हैं हम बंद, और यहाँ पर हम डाल देते हैं लास्ट में हरा धनिया, और धनिया को भी कर देते हैं मिक्स। और चलिए अब हम सब्जी को कर लेते हैं सर्व। तो चलिए फ्रेंड्स सब्जी को कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक बाउल और करते हैं सब्जी को इसके अंदर सर्व। और ये देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। और ये लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म मसाला बैंगन बनकर है तैयार। तो फ्रेंड्स इन्हें देखकर आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। तो फ्रेंड्स इस तरीके की सब्जी आप भी जरूर बनाइए, बहुत 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 टेस्टी लगती है। और अगर आपके घर में बच्चे बैंगन पसंद नहीं करते हैं तो फिर तो आप इस तरीके की सब्जी जरूर बनाइए, बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बनाना भी आसान है। तो फ्रेंड्स आप इसे बनाइए खाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।